नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। बिहार की राजनीति कई बार बदली है, परिस्थितियां बदले हैं और खासकर कई नेता भी बदले हैं। और नेता का एक महत्व ये है कि वो नेता जो अपने क्षेत्र में अपनी जनता को लेकर के, अपने जो बड़े नेता हैं जिनका नेतृत्व पूरे बिहार में है, उनके समर्थन में उतरते हों। ऐसे में आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी हो रहा है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि कल जो संदेश यात्रा पूरे बिहार में हो रहा है उपेंद्र कुशवाहा जी का, वो यहाँ पूरी तरह सफल हो और पूरे जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता और नेता यह दिखा दें कि अली अशरफ फातिमी के नेतृत्व में पूरा मिथिलांचल और एनडीए को जो सीटें मिली है वहाँ, यहाँ से जिससे सरकार बनी है, उसका निश्चित तौर पर एक श्रेय भी जाएगा। और ये कल दिखेगा कि कल उपेंद्र कुशवाहा जब यहाँ पहुँचेंगे तो क्या स्थिति होगी। कल उपेंद्र कुशवाहा आ रहे हैं, आखिर यहीं क्यों आ रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ नहीं आते, कई जगह जा रहे हैं, कोई तकरीबन 25-30 जगह पे उनका कार्यक्रम है। यहाँ पर वो संबोधन करेंगे पूरे जिला के लोगों को, और जिला में भी बड़ी सभा नहीं हो रही है, ये एक लिमिटेड, आजकल मालूम ही है आपको कि कोरोना है, कोरोना की वजह से बड़ी सभा नहीं की जा सकती है। तो हमारे पूरे जिला से जो इम्पोर्टेंट साथी हैं जनता दल यू के, वो जमा होंगे और जमा होकर के उनका जो संदेश है, जो नीतीश जी के का प्रोग्राम है बिहार के लिए या सरकार का जो कार्यक्रम है, उन सबको यहाँ रखेंगे वो। अब पार्टी क्या चाहती है वर्कर्स से, कार्यकर्ता से, वो भी वो यहाँ बात रखते हैं। तो हम लोग बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहे हैं और इसमें पूरे जिला का निचोड़ होगा, इसको आप जनसभा नहीं कहिए लेकिन काफी बड़ा होगा। ये कहा जा रहा है कि जो उपेंद्र कुशवाहा जो आ रहे हैं, फिर एक प्रकरण चला था ललन सिंह का जो एक साथ हैं कि नाराज हो गए, तो आरसीपी सिंह का भी बात चला था जो गुट भी हो सकता है, तो क्या लगता है कि इस तरह का गुट जो बिहार में कई जगह देखा जा रहा है वो दरभंगा में भी है क्या? देखिए, हमें हम तो एक ही गुट जानते हैं, नीतीश को, ठीक है ना, उसके अलावा किसी गुट को नहीं जानता है और ना यहाँ पे आपको नजर आएगा। और ये जो भी कार्यक्रम हो रहा है वो नीतीश जी के बताए हुए रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए हो रहा है। तो कल आएंगे ललन सिंह, उनका भी इस्तकबाल होगा और वो जितना बड़ा कहेंगे उतना बड़ा इस्तकबाल किया जाएगा। मेरा कार्यक्रम है कि मैं नीतीश जी का भी एक बड़ा कार्यक्रम लूँ दरभंगा के लिए, लेकिन जैसे ही ये कोरोना काल खत्म होगा और जनसभा की इजाज़त मिल जाएगी तो निश्चित रूप से दरभंगा में ऐसा प्रोग्राम नीतीश जी का होगा कि इससे पहले किसी नेता का नहीं होगा। फातिमा जी, जब आपको जनता दल यूनाइटेड में लाया गया था और खुद नीतीश कुमार आए थे और खत्म भी हुआ था, तो क्या लगता है कि आपको जनता दल यूनाइटेड में आने के बाद कोई परिदृश्य बदला है जनता दल यूनाइटेड का, जो पहले था उसके बाद सबको, सबकी कड़ी को जोड़ करके एक करने का जो एक मंशा था नीतीश कुमार का कि अगर मोहम्मद अली अशरफ फातिमी जनता दल यूनाइटेड के इन्हें बिहार के कद्दावर नेता हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं तो इससे जनता यूनाइटेड को बहुत फायदा होगा पूरे बिहार स्तर पर, तो इस तरह के कार्यक्रम लगाए। देखिए, लोग कहते हैं, मैं तो नहीं कहता हूँ, दावा नहीं करता हूँ, लेकिन दरभंगा जिला में 4 जनता दल यू का उम्मीदवार था, उसमें से 3 जीता, यानी 75% विक्ट्री मिली और एक डॉक्टर फराज फातिमी मात्र 2017 वोटों से चुनाव उनका रह गया। तो आप इसको तो 100% सक्सेस समझिए। तो नीतीश कुमार निश्चित रूप से यहाँ मजबूत हुए हैं और मैं तो 7 जगहों पे गया पूरे इलेक्शन में, तो हम 7 में से 6 जगह जीत गए। मैं गया था आपके जो विजय चौधरी जी हैं उनके इलाके में गया, फिर मैं कल्याणपुर गया था, वारिस नगर गया, कुशेश्वर स्थान गया, बेनीपुर गया और बहादुरपुर गया, और ग्रामीण इतनी जगह पर काम कर पाया था क्योंकि मैं कोरोना पीड़ित हो गया। और 7 जगह में 6 जगह हमारी जीत हुई
और मिथिलांचल ही है जिसके कारण कहीं ना कहीं सरकार बनी नीतीश कुमार जी की, और तेजस्वी की जो हार हुई उसकी मेजर वजह यही इलाका है। दरभंगा में 10 में से 9 वो हार गए, मधुबनी में 10 में से 8 हार गए, मतलब 20 में से सिर्फ 3 सीट उनको मिल पाई, तो ये तो बड़ी हार है इस इलाके में। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जनता दल यू बहुत ताकतवर होगी धीरे धीरे, अगले लोकसभा तक अभी है समय है, आप देखिएगा कि अब वो आपको पता चल जाएगा जब नीतीश कुमार जी आएंगे, उनकी जनसभा होगी तो आपको मालूम हो जाएगा। हम बता दें कि मोहम्मद अली अशरफ फातमी से हम चुनाव के दरमियान भी विश्लेषण करते रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि 8 तय है जबकि हमारा 7 और 8 पर बात चल रही थी। एक विश्लेषण और विश्वास इनको इसलिए था कि ये खुद जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन किए थे और उस समय तेजस्वी ने यहीं आकर एक स्टेटमेंट दे दिया था मोहम्मद अली अशरफ फातमी के खिलाफ, जो पूरा माहौल निश्चित तौर पर खराब हुआ और खुद जो उनके करीबी नेता थे वो भी यहाँ से हार गए। अब सवाल ये है कि मोहम्मद अली अशरफ फातमी के आ जाने के बाद जनता की अपेक्षा है कि उनको क्या वो मुकाम मिल पाया जिस वजह से वो जनता दल यूनाइटेड में उनको लाया गया था, वो पद, वो गरिमा, वो सम्मान और इसके साथ एक बड़ा ओहदा जो सभी चाहते हैं, राजनीति में सभी चाहते हैं। तो जनता और नेता का एक था कि फातमी जी आएंगे तो उनको एक बड़ा सम्मान मिलेगा, उस तरह की क्या? देखिए ऐसा है, पहले तो एक बात समझ लीजिए, मेरी जो आपसे बातचीत हुई थी मैंने ये कहा था आपसे कि राजद या यूपीए 10 में से 9 सीट हार गए और 10वां भी हम लोग जीत सकते हैं, 10वां सीट भी जीत सकते हैं, आपसे मेरी ये बात हुई, 9 तो पक्का है, तो रिजल्ट तो वही आया 10 में 9 पक्का। आप शायद नंबर भूल गए, मैं मेरा मानना था 9 ही यहाँ जीतेगा, 9 जीती। जहाँ तक ओहदे का क्या ओहदा दीजिएगा, मुझे क्या दिलवा दीजिएगा बताइए। ये जनता पूछ रही, जनता को चाहिए कि उनके नेता को वो मेरे जो आपको प्यार करते हैं, जो मेरे मेरे ज्वाइन करने के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, ठीक है, लोकसभा का चुनाव हो चुका था, हम MLA को उम्मीदवार तो कभी नहीं हुए, उम्मीदवार होने का सवाल ही नहीं, तो हम जब भी होंगे उम्मीदवार तो लोकसभा, ये पार्टी डिसाइड करेगी कि वो मुझे जगह देती है नहीं देती है। मैं राजद से नाराज इसलिए हुआ था कि उन्होंने मुझे प्लेस किया था मधुबनी के, और वहाँ मैंने 6 महीना काम किया, मैं हर प्रखंड में गया, गांव-गांव घूमा, मैं 6 महीना दिन रात वहाँ लगा रहा। अफसोस इस बात का है कि मेरे साथ धोखा हुआ, लेकिन नीतीश कुमार ने तो अभी तक कोई ऐसी बात कही नहीं कि आपको मैं फला जगह से लोकसभा खड़ा करूँगा, फला जगह से राज्यसभा दे दूँगा, ऐसी कोई बात सुनी नहीं, और मैं बगैर शर्त के पार्टी जोड़ा और मेरा कोई लालच नहीं। तो कल का कार्यक्रम आप देखिए, मिथिला मंच न्यूज लगातार आपको दिखाएगी, लेकिन हम एक बात बता दें, मोहम्मद अली अशरफ फातमी के जनता दल यूनाइटेड में आने के बाद निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में NDA मजबूत हुई है, क्योंकि ये जमीनी स्तर से जुड़े हुए वो नेता हैं जिनके एक बार कहने पर पंचायत और प्रखंड के तमाम नेता एक छत के नीचे आ जाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है और ये चुनाव में भी देखने को मिला है। ये नहीं, इनके अंदर न जाति न धर्म किसी भी तरह की भावना नहीं है, इसलिए ये सर्वमान्य नेता कहे जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि बिहार के पटना से जो दो गुट बन रहे हैं वो गुट कितना प्रभाव डाल पाएगी दरभंगा में, कल हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़।